हाय, वेलकम टू एब्स ट्यूटोरियल्स। आज लाइन मारना सीखते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर लाइन टूल्स को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं 10 मिनट के अंदर, चलिए सीखते हैं। हेलो, तो चलिए सीखते हैं लाइन टूल के बारे में। ये लाइन टूल्स हैं, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेरियस आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल, ये सब इसके अंदर आते हैं। इनके साथ आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं पहले आपको लाइन टूल के बारे में समझाता हूँ। इससे पहले मैं इसको यहाँ पे एक स्ट्रोक का जो डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ पे खोलना ज़रूरी समझता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो लाइन टूल है, आप लाइन को अगर आप सिर्फ क्लिक करते हैं तो आपकी लाइन पूछता है आपको कितने पॉइंट में चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितने पॉइंट के लिए, क्या एंगल में चाहिए। अगर हम इसको ऐसे क्लिक कर देते हैं तो एक ये लाइन ऐसे बना देता है। यहाँ देखें, अगर आप लाइन ये स्ट्रोक का भी कोई फिल नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके स्ट्रोक को फ़िलहाल ब्लैक कलर दे रहा हूँ। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, आप रेड भी दे सकते हैं। तो ये अगर आप बाहर क्लिक करें तो ये रेड स्ट्रोक हो गया, बट फॉर दिस एक्सरसाइज ब्लैक में रखते। लाइन को आप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया किसी भी एंगल में भी आप कर सकते हैं। आप एक क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं तो ये सीधी लाइन आएगी, कोई भी डायरेक्शन के अंदर आप जा सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो सीधी लाइन खींचेगी और ये 45 डिग्रीज के एंगल्स के अंदर आप ऊपर नीचे या ऐसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर, बट 45 डिग्रीज के अंदर शिफ्ट दबा के आप खींच सकते हैं। छोटी बड़ी करनी है आपको लाइन अगर, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाइए, वहाँ से एंकर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और उस एंकर पॉइंट को आप शिफ्ट दबा के आगे पीछे कर सकते हैं, या वही 45 डिग्रीज के एंगल में, या बिना शिफ्ट दबाए तो आप कोई भी एंगल के अंदर आप जा सकते हैं। ये आपकी है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर और भी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने पाथ पेन टूल लिया, आपने यहाँ पे कोई भी एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके आप इसको और आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये काम आता है जब आपको कुछ एरोज़ वगैरह देने हो, मैं उसको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ये वेट है, इसमें अगर हम शो ऑप्शंस कर लेते हैं तो ये आपको दिखाता है कि लाइन का वेट कितना है। ये अभी फ़िलहाल एक पॉइंट की लाइन है, बाकी जो सेक्शंस हैं नीचे समझाने के लिए मैं इस लाइन को करीब 20 पॉइंट कर देता हूँ ताकि ईजिली अंडरस्टूड हो। इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे कॉर्नर में और ये एंड जो पॉइंट्स हैं इनमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कैप है, कैप मतलब ये जो कैप हुआ यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है देखिए पॉइंट के साथ साथ है, जैसे ये है, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये राउंडेड कॉर्नर बन जाता है यहाँ पे जो इसकी कैप्स है, और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये पॉइंट के आगे आता है। देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं जाए इसको राउंड किया और इसका कॉर्नर इसका शार्प है, इस कॉर्नर को भी अगर मैंने राउंड करना हो तो ये राउंड जॉइन है, जहाँ पे जॉइन है वहाँ से ये राउंड कॉर्नर कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है अगर आपको ये एक रिबन की तरह दिखाना हो। और स्ट्रोक की अलाइनमेंट आपको बता सकता है, अंदर करनी है या बाहर करनी है। फ़िलहाल तो ये डिफ़ॉल्ट पे अंदर ही रहती है। एंड आपको अगर डैश लाइन देनी हो तो ये डैश लाइंस हैं। आपको इसमें अलग से इसको कंप्लीट एक बना के दिखाता हूँ मैं डैश लाइन के लिए। हाँ, तो ये डैश लाइन ऐसे इवन कॉर्नर जो है आपके इवन रहेंगे, इसके अंदर में कॉर्नर में अनइवन रहेगा। आप इसको जब ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि आपने जब इसको डैश लाइन दिया है, यहाँ पे ये 12 पॉइंट बता रहा है इसकी विथ, और इसको 12 पॉइंट का गैप भी अगर मैं दे देता हूँ, 20 पॉइंट का गैप दे देता हूँ, तो देखिए ये हर एक सेगमेंट को एक सिंगल लाइन के हिसाब से रीड कर रहा है, तो इसीलिए उसको इसने राउंडेड कॉर्नर दे रखा है। आप जहाँ पे भी ये मुड़ेगा तो वहाँ से भी ये राउंड हो रहा है।
तो ये अगर आपको बाद में डॉटेड लाइन या कुछ देना हो उसके लिए ये काम आ सकता है। मैं इसको थोड़ा अंडू करता हूँ। हाँ, तो हम इधर आ जाते हैं, इसकी मैं डैश लाइन हटा देता हूँ। अब हम वापस इसके अंदर आ गए। ये है एरो हेड्स, अगर हम आपको सामने दिखा देते हैं, ये एरो हेड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कहाँ, ये शुरुआत की लाइन है जहाँ से आपका शुरू हो रहा है, और ये एंड है जहाँ पे आपको एंड करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शुरू किया ये यहाँ से, लेफ्ट साइड से, तो अगर मैं इसको एरो देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से ले रहा क्योंकि मैंने पेन टूल इस्तेमाल किया था, तो एरो देता हूँ तो ये एरो यहाँ से आ जाता है, और अगर मैं इसको एक पीछे भी एरो देता हूँ तो ये पीछे ऐसे एरो दे देगा। आप इस एरो को स्केल कर सकते ताकि आपको एग्जैक्टली जितना भी आपको देना है ये एरो के हिसाब से यहाँ पे एंड में आप और भी तरीके के एंड्स हैं। अगर आपने इसको ऐसे देना है ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये काम आया क्योंकि जब एंड कैप मेरा यहाँ था ये यहाँ पे ठीक से नहीं जा रहा था, जब मैंने एंड कैप ऐसे कर दिया तो एकदम परफेक्ट एरो की तरह आ गया ये। फिर आ जाते हैं हम जी आर्क टूल पे। आर्क टूल सिंपल, अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पूछता है कितने पॉइंट्स में आपने वो करना है जैसे लाइन के अंदर था, और आप सिर्फ ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आर्क्स बना के दिखाएगा, और अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये वही 45 डिग्री और सीधे के अंदर आर्क दिखाता है। ये परफेक्ट, शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट आर्क दिखाएगा, क्वार्टर सर्कल वाला, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये आपको अलग अलग शेप में ये आर्क बना देता है। यूजली हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम पेन टूल के साथ ही खेल लेते हैं इसके अंदर परफेक्ट लाने के लिए। ये स्पायरल टूल है, हम इसको अगर हम सेलेक्ट ड्रैग क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये स्पायरल खुल जाता है, अगर मैं डाउन एरो दबाता हूँ तो स्पायरल आपका कम हो जाता है, अगर मैं अप एरो दबाता हूँ तो स्पायरल बढ़ते चले जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है, अगेन आप इसको ड्रैग करके ग्रिड बना सकते हैं ईजिली, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए आपके काम आ सकती है। ये सब अलग अलग सेक्शन नहीं है, दिस इज़ वन लाइन स्ट्रेट और ये भी एक लाइन है स्ट्रेट। तो हमको कई बारी चार्ट या टेबल बनानी हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन सेलेक्ट ऑल करके हटा देता हूँ, एंड अगर मैं इसको डाउन एरो करता हूँ तो ये रोज़ मेरी कम कर देता है, और अगर मैं अप एरो दबाता रहता हूँ तो ये रोज़ बढ़ा देता है। सेम राइट एरो करूँगा तो कॉलम्स बढ़ा देगा, लेफ़्ट एरो क्लिक करता रहूँगा तो कॉलम्स हटा देगा। तो ये उस हिसाब से आप इसको डील कर सकते हैं। सेम अब आते हैं पोलर ग्रिड टूल के ऊपर। ये भी कई बारी आप, मेरा एक और ट्यूटोरियल है पेंसिल वाला, अगर आप देखें तो उसके अंदर भी मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ। अगर आप ऑल्ट से दबाएंगे तो सेंटर से लेगा, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे तो सेंटर से लेगा। शिफ्ट दबाने से क्या है कि आपको ऐसे नहीं आएगा ये, जबकि अगर आपने ऐसे कभी कुछ करना हो, ड्राइंग करनी हो, तो उसके अंदर ये कर सकते हैं। अगेन इसमें मैं डाउन एरो दबाता हूँ तो आप देखिए अंदर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कम हो जाते हैं, अगर मैं अप एरो दबाता हूँ तो ज़्यादा हो जाते हैं, और जो सेगमेंट्स अभी 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है ये, इसको मैं अगर राइट एरो दबाऊँगा तो सेगमेंट्स इसके बढ़ जाते हैं, और बैक एरो दबाता हूँ तो ये सेगमेंट इसके कम हो जाते हैं। आप मेरे एक और ट्यूटोरियल है जो उसके अंदर इसको ज़रूर देखिएगा, आप एक तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये थी जी लाइन ड्राइंग्स के बारे में, एंड ये जो सारी आपने टूल्स देखी थी लाइन सेगमेंट के अंदर, वो सारी टूल्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी विड्थ देनी है, कितना पॉइंट देना है उसको, और किस हिसाब से कलर्स देने हैं, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए अब अगले लेसन के अंदर मिलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले ये वाले सेगमेंट को, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।